ओके दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण बागड़े और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कर्नाटक चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश में लहर है और अभी जो है 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त अभी मेरे साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हैं, राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश, और कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में भी आप प्रभारी थे और खुशी की बात है अभी छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो है छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी है और कहीं ना कहीं कर्नाटक में धूम मचाने के बाद इस बार जो है छत्तीसगढ़ में धूम मचाएंगे। कर्नाटक में इनके नेतृत्व में जो है एक विधायक जिताकर मंत्री बनाया है और मैं अभी जानूंगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी विधायक और मंत्रियों की तैयार है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं नेशनल दस्तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नेशनल दस्तक के बहाने के माध्यम से छत्तीसगढ़ वालों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से जय भीम कहता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह से आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मजबूरी में बने चाहे मजबूती में बने सरकार बहुजन समाज पार्टी की। जी जी सर, गठबंधन को लेकर कितनी खुशी है पार्टी में और छत्तीसगढ़ में? जहाँ देखिए आज तक के जितने भी फैसले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी ने जो भी फैसले लिए हैं, चाहे वो कर्नाटक में श्री देवगौड़ा जी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जी की पार्टी के साथ समझौता किया हो या वर्तमान में आप लोगों ने अभी प्रेस के माध्यम से देखा होगा आदरणीय बहन जी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ श्री जोगी जी के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव का समझौता करने का काम किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ के सर्वजन समाज के लोगों में ये खुशी की लहर है। वो इसलिए है कि आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद से छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में था तो इसलिए पिछड़ा हुआ था कि वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था और पिछड़ा इलाका था। अब वो छत्तीसगढ़ जब बनाया गया तो ये सोच के बनाया गया था छत्तीसगढ़ की जो लगभग 2.5 करोड़ की जनता है उसके हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहाँ पर शासन करने का काम किया है। दोनों पार्टियों के शासन के बाद भी छत्तीसगढ़ की आम जनता का कुछ भी भला नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का किसान वो जो कि बड़े पैमाने पर पूरे देश में धान पैदा करके भेजने का काम करता है, छत्तीसगढ़ में माइंस बड़े पैमाने पर भरी पड़ी हैं लेकिन यहाँ की आम जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ में सोना उगलता है, छत्तीसगढ़ में सोना मिलता है, छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ में हीरा मिलता है, साफ ऑक्साइड मिलता है, तमाम मिनरल्स छत्तीसगढ़ में मिलते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता का हाल इतना बुरा है कि साल में 6 महीने छत्तीसगढ़ के 30 से 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ से बाहर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकार बनाई और बहुजन समाज के साथ साथ उन्होंने सब समाज के भी गरीबों का ध्यान रखा है, उसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ में इस विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो न सिर्फ किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का बल्कि सर्व समाज के गरीबों का भी ध्यान रखने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। जी छत्तीसगढ़ में और अन्य जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, सर छत्तीसगढ़ में आप जो है कितने विधायक और मंत्री बनाएंगे? देखिए आदरणीय बहन जी का ये सारे निर्देश रहेंगे, हमारे लोगों का काम है। आदरणीय बहन जी जो हम लोगों को टास्क सौंपा है यहाँ पर अलायंस करने के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी बनती कि हम ज्यादा से ज्यादा विधायक यहाँ से जिता करके भेजें और जब ज्यादा से ज्यादा विधायक बनेंगे हमारी सरकार बनेगी तो जिस हिसाब से हमारा आपसी बंटवारा है उस रेशियो में हमारे मंत्री भी बनेंगे और हमारे लोगों को बाकी हिस्सेदारी भी मिलेगी। बहन जी का चल रहा है छत्तीसगढ़ आने का अक्टूबर में, तो उसके बारे में आदरणीय बहन जी चूंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी की पूरे देश में मांग है जी। पूरे देश में आदरणीय बहन जी अकेले ही बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक में जब अलायंस हुआ था तो एक बड़ी रैली, संयुक्त रैली श्री देवगौड़ा जी के साथ, कुमार स्वामी जी के साथ आदरणीय बहन जी ने संबोधित करने का काम किया था और उस रैली ने कर्नाटक के भविष्य को तय कर दिया था। आदरणीय बहन जी 13 तारीख को यहाँ पर आ रही है बिलासपुर में, बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी को देखने और सुनने आ रहे हैं और जो खुशी की लहर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है उस खुशी की लहर के साथ साथ लोगों में बड़ा उत्साह है कि आदरणीय बहन जी आकर के जो दिशा निर्देश देंगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी की नेता द्वारा जो उद्बोधन होगा उससे छत्तीसगढ़ की
जो आने वाली विधानसभा की राजनीति है उसका भविष्य तय होगा। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान है? देखिए, इस गठबंधन से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस दोनों पार्टियों का बहुत नुकसान नहीं आया, बहुत नुकसान है। क्यों है? क्योंकि सरकार इस गठबंधन की बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात तो आप देख सकते हैं, बहन जी भी 13 अक्टूबर को आ रही है और 3 राज्यों में जितने भी राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जो है अपनी सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हरीश रामटे के अरुण बागड़े, रायपुर छत्तीसगढ़, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।